जय हिंद, आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही है, इसके कारण कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। पहाड़ों पर तो भारी तबाही देखने को मिली है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगले 6-7 दिनों के दौरान मानसून का पश्चिमी हिस्सा अपनी सामान्य स्थिति के उत्तर की तरह रहने की संभावना है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी असम में एक परिसंचरण की स्थिति बनती दिख रही है, इसके कारण कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश की स्थिति भी बनी रहेगी। IMD के ताजा अपडेट्स के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 24 और 25 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ों पर लोगों को सावधानी बरतने की नसीहत दी गई है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी 24 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में अलग अलग जगहों पर 24 से लेकर 26 अगस्त तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके अलावा असम और मेघालय सहित अरुणाचल प्रदेश में भी 24 से 26 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। देश के बाकी हिस्सों में भी अगले 5 दिनों तक मौसम की वर्तमान स्थिति बनी रहेगी। वही मंगलवार रात से लगातार चल रही तेज बारिश का एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में तबाही लाई। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ आने से 15 लोगों की मौत हुई, जबकि कुछ लोग मलबे में दबे हैं। वहीं यहां पर भी स्कूल कॉलेज अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों शिमला, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू और ऊना में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।